हम लोग जा रहे हैं ग्लास लेने के लिए, मंदिर के ग्लास वास लेने के लिए। इतने दिनों से उन्होंने बना के रखे हैं यार, हम लोगों को जाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मंदिर का काम भी बाकी था, मतलब वो पेंट वेंट का काम बाकी था, तो इसी वजह से हमने सोचा उसको कवर करके रखा था ना, तो इसीलिए हमने सोचा चलो पेंट का काम हो जाने के बाद वो ग्लास वास लेके आएंगे, नहीं तो ये तोड़ फोड़ देंगे बच्चे। तो इसीलिए यहाँ पर रखने के लिए भी घर पे जगह नहीं आ रहा है। ये एटीएम में पैसे निकालने गए, मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ तब तक। और कल तो मम्मी के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो शॉपिंग वगैरह हो गई, उसके बाद तो इतना ज़्यादा थक गई थी मैं कि आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। मतलब उधर से आने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि सो जाऊँ मैं तुरंत, बट फिर भी मम्मी इतने दिनों के बाद आई थी, पापा वगैरह थे, भाई था, तो उनसे बातें वगैरह की, तो उसमें ना ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की, थोड़ा सा टाइम घर वालों को भी देना पड़ता है। उसके बाद खाना वगैरह खाया हम लोगों ने रात को, और उसके बाद उसी टाइम 11 बजे मम्मी पापा निकल गए वहाँ पर जाने के लिए, मतलब मेरे मायके जाने के लिए। और सुबह उठते ही हम लोगों ने फिर क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, मतलब कल तो कुछ भी क्लीनिंग नहीं हुई ना, इसी वजह से हम लोगों ने आज क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। बस वहाँ पर मंदिर के ग्लास ले लेंगे, और कुछ काम है तो वो काम करेंगे और फिर घर पे चले आएंगे। इनको ड्यूटी भी जाना है जल्दी, फिर उनका खाना खाना भी होना चाहिए, और उसके बाद वो ड्यूटी भी जाएंगे। और घर पे पेंट चल रहा है, तो किचन तो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब किचन का कलर हो चुका है। अभी किचन मैं क्लीन ही कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लीन करना पड़ता है यार, एकदम से क्लीन नहीं होता है, इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं। बर्तन उन्होंने क्लीन करके दिए वो दीदी ने, बट फिर भी उस पर धूल बैठ ही जाती है, इतना सारा काम चल रहा है घर पे ना, उस पर धूल बैठ ही जाती है। और उनको ना ग्लास वास धोने के लिए नहीं दिए थे कांच के, तो इसी वजह से मुझे वो जो क्रॉकरी है मुझे ही क्लीन करनी पड़ेगी, तो वो क्रॉकरी यूनिट बाद में क्लीन होगा, क्योंकि वहाँ पर स्पॉटलाइट लगने वाले हैं, तो उसके लिए भी वो होल वोल करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा कचरा हो ही जाएगा वहाँ पे, सफाई के बाद भी कचरा होने वाला है, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो क्रॉकरी यूनिट बाद में क्लीन करूँगी। तो जो भी हो रहा है मैं घर पर जाके दिखा दूँगी आपको, बट अभी फ़िलहाल तो निकल रहे हैं वहाँ पर। यार इतना टाइम क्यों लग रहा है इनको, एटीएम में गया है कब से, जब से मैं आपसे बात कर रही हूँ तब से गया है, लेकिन लाइन तो कुछ हाँ है, कुछ दो एक दो लोग है इस वजह से वहाँ पर लाइन में खड़े हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ वहाँ पर जाके आपसे। यहाँ पर पहुँच गए थे हम लोग, और पिछले ब्लॉग में एक ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग ग्लास वर्क लेने के लिए आए, मतलब डालने के लिए आए थे, तो उस टाइम बहुत लोगों ने पूछा था कि कहाँ पर आपने ग्लास बनवाने के लिए डाले हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्लास बनवाने के लिए डाले थे, मंगल मूर्ति ग्लास वर्क। तो इसका नंबर तो वो आपने देख ही लिया है, अगर आप अमरावती से हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और एड्रेस वगैरह पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वेराइटी के ये बना के रखे हैं इन्होंने, और बहुत अच्छी क्वालिटी के बना के देते भी है, मतलब बहुत अच्छा फिनिशिंग भी है इनका, बहुत ही अच्छे अच्छे लगे मुझे इनके सारे चीज़ें, मतलब जो भी इन्होंने बना के दिए थे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर ये नए मंदिर थे तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, उस दिन ये वाले मंदिर नहीं बनाए थे उन्होंने, आज ये वाले मंदिर बना के रखे थे। तो ये पूरे ग्लास के हैं, इसमें कुछ भी विदाउट ग्लास नहीं है, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको ये डिज़ाइन भी दिखा देती हूँ कुछ इस तरह से, अगर आपको लेने वगैरह है तो ऐसे मंदिर बहुत अच्छे लगते हैं। उसके नीचे आप थोड़ा सा ड्रॉअर वॉर बना लो, मतलब इसमें फर्नीचर में प्लाई में ड्रॉअर बना लो, उसके ऊपर ये मंदिर रखो, बहुत सुंदर लगेगा। और छोटा सा जिनका मंदिर है, मतलब जिनको छोटा सा मंदिर चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा है ये। और ये तो आपने देख ही लिया था पिछले व्लॉग में, फिर भी जो न्यू व्यूअर्स उनके लिए मैं सारा दोबारा से दिखा रही हूँ। और ये बहुत सुंदर सुंदर ऐसे पेंटिंग मतलब बना के यहाँ पर रखी थी, हम लोग भी इनसे नाम बनवाने वाले हैं, बट ये अभी नहीं बनवाने वाले क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है यार। मैं आपको क्या बताऊँ, जब बजट का वीडियो आएगा ना तब बता दूँगी मैं आपको, बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है। और मैं दोबारा से वही पीस देख रही हूँ क्योंकि मेरा मन उसी में बहुत आ गया है, बट ये अभी नहीं लेंगे, जब लेना हो ना मैं आपको आपके साथ शेयर तो करूँगी और मेरे घर पे भी आपको दिख ही जाएगा। बट मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इससे भी अच्छा अच्छा अगर वो दिखाएंगे बाद में तो हम लोग देख लेंगे, अगर ये बनाना है हमें तो ये बनवा लेंगे हम, बहुत सुंदर लगता है यार। एक मैंने जगह देखी है उसके मतलब वहाँ पर मुझे लगाना है वो, बट देखेंगे अभी क्या कर सकते हैं।
वैसे जो हमारा बजट है ना वो और बजट हो गया है पहले से ही, तो अभी जो काम चल रहा है तो वो काम चलने देंगे, जो है वो होने देंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा खर्चा इसी में लग गया है। और इन चीज़ों को लेने जाओ ना तो 10,000-8,000 ऐसे ही मतलब इसके प्राइस है, तो इसी वजह से थोड़ा सा हम लोग रुक जा रहे इन चीज़ों को परचेस करने के लिए। और ऊपर से हमें वो एक नेम प्लेट भी बनवानी है इनसे, मतलब जो बड़ा सा नाम नहीं आता है, एक नाम होता है बड़ा सा, तो वो घर पे नाम भी हमें इनसे ही बनवाना है। तो इसीलिए फिर ये सब काम हो जाने के बाद एक दिन आएंगे और वो नाम और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेंगे, इसकी डिज़ाइन वगैरह। और यहाँ पर ये जो मिरर है हमारा, मतलब जो बेसिन का मिरर है, वो बन चुका था, वो वैसे डिज़ाइन मैंने दी थी, थोड़ा सा मल्टी कलर में दिया था, लेकिन उन्होंने पता नहीं जो ग्रीन कलर का डिज़ाइन था वो ग्रीन कलर का ही बनाया उन्होंने। और मंदिर के ग्लास भी रेडी है, तो ये मंदिर के ग्लास डोर्स हैं और ये यहाँ पे एक्रेलिक कटिंग है, तो ये ऐसे बनवाई है हमने। ये कहाँ पर लगेगी वो भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिल ही जाएगा। और ये जो ग्लास के मतलब पत्ते हैं ना, ये मैंने मल्टी कलर में उनको बोले थे, तो ये लेकिन उन्होंने ना ग्रीन कलर में ही बनाया है, मतलब वैसे डिज़ाइन वहाँ पर थी तो मैंने वो सिलेक्ट की थी, बट उनको बोला था कि वो ग्रीन कलर में ना बना के वो मल्टी कलर में चाहिए मुझे, बट उनको याद नहीं रहा होगा तो उन्होंने ग्रीन कलर की बना दिया, तो कोई बात नहीं अभी चल जाएगा। ग्लास वास लेके घर पे आ गए थे, उसके बाद मैं शूट ही नहीं कर पाई कुछ भी, मतलब कैसा था कि वो ग्लास वास लेके मैं घर पे आ गई, उसके बाद ये ड्यूटी चले गए खाना वाना खा के, फिर उसके बाद ऐसे ही उनको बताना पड़ा कुछ कुछ। और फिर ये है रात का टाइम, रात का डिनर बन रहा है और रात के डिनर में अभी बन रहा है वेजिटेबल पुलाव। तो एक्चुअली ना वेजिटेबल पुलाव सबके लिए बन रहा है, मतलब हमारे लिए भी और जो दो पेंटर है उनके लिए भी, वो हमारे गांव के और पहचान के वैसे, तो इस वजह से। और वो आज नाइट करने वाले हैं तो यहीं पे खाने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो वेजिटेबल पुलाव बना लेती हूँ उनके लिए भी, तो यही बन रहा है। और सिंपल सा, मतलब सिंपल सा मीन्स जल्दी बन जाता है, तो यही मैं सोच रही थी कि कौन सी चीज़ जल्दी बनेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि पहले से ही थक जाते हैं, तो रात का इतना वो होता है कि भूख तो लग जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी से जो चीज़ बने ना वो बना लूँ। तो यहाँ पर वही वेजिटेबल पुलाव बन रहा है, वेजिटेबल काट के रखे हैं। और सबसे पहले मैंने कुकर में ना ऑयल डाल दिया है, उसके बाद उसमें तेज़पत्ता डाल दिया है, तेज़पत्ता थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, उसके बाद प्याज डाला है, उसके बाद मैंने डाला है टोमेटो, और ये टोमेटो थोड़ा सा गल जाने के बाद मैं उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल दूँगी। और सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डालूँगी, मतलब जो बेसिक से मसाले हैं वो डाल दूँगी। और थोड़ा सा मैं तीखा ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है वेजिटेबल पुलाव। और यहाँ पर बिरयानी मसाला है मेरे पास, एवरेस्ट का ख़त्म भी हो गया है, तो अभी ये दिवाली के शॉपिंग में आ जाएगा। तो ये डाल दिया है और उसमें, और अभी वेजिटेबल डाल दिया है धोके, मतलब मेरे पास था बीन्स थी, गोभी थी, फूल गोभी, पत्ता गोभी बोल रही हूँ, फूल गोभी थी, और क्या क्या था, बीन्स, फूल गोभी, हाँ शिमला मिर्च थी, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आपको यही चीज़ डालनी है, जो भी आपके घर पे वेजिटेबल्स है वो डाल दीजिए, बहुत टेस्टी बनता है, मतलब जल्दी में भी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो अगर आपको जान पे आ रहा है कभी खाना बनाना, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने पहले राइस भिगो के रखे थे थोड़ी देर, और उसे भून लूँगी, मतलब थोड़ा सा वो ऑयल में, और उसके बाद उसमें नमक डाल दिया है, उसके बाद मैं उसमें गर्म पानी डाल दूँगी, और बस रेडी हो जाएगा हमारा वेजिटेबल पुलाव। तो यहाँ पर वो पत्ते का थोड़ा सा था, मुझे लगा कि कुछ बाल वाल ही ना हो, तो इसी वजह से देख रही थी। तो यहाँ पर गर्म पानी बनाने, मतलब उबालने के लिए रख दिया है, गर्म पानी डाल दूँगी और सीटी ले लूँगी, एक दो सीटी में ही हो जाएगा ये, एक दो सिटी में बहुत अच्छा खिला खिला सा बनता है, कभी कभी एक सिटी में ही बन जाता है खिला खिला सा। तो बस थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल दीजिए, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनता है, इस तरह से बना लूँगी। और बस उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था, उसके बाद जो बर्तन निकले थे वो लगे हाथ क्लीन कर रही हूँ, नहीं तो फिर सुबह वही गलाठा दिख जाता है, तो इसी वजह से लगे हाथ सारे बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ। एक्चुअली ना वो बर्तन वाली लगाई थी यार, बट वो ना अच्छे से साफ ही नहीं कर रही, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है ना, तो उसको सारे घर के बर्तन क्लीन करने पड़ रहे हैं, दिवाली की साफ़ सफाई के भी बर्तन वो ले रही है, तो इसी वजह से ना वो जल्दी जल्दी के चक्कर में इतने गंदे बर्तन रख रही है, मतलब मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे उसके हाथ के बर्तन क्लीन करे हुए। तो इसीलिए मैंने उनको बोला नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसी वजह से अभी मुझे दूसरी बाई ढूंढनी पड़ेगी, जब तक दूसरी नहीं मिलती है तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो
तो अभी ये बर्तन क्लीन कर लूँगी और उसके बाद हम सो जाएंगे। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।